जरा कालेखा बस अड्डे के ठीक सामने सुबह 5:30 बजे के करीब यह इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर एक बाइक पड़ी हुई है। दरअसल इस बाइक पर कोई और नहीं बल्कि एक कुख्यात अपराधी सद्याम हुसैन इधर से गुजर रहा था। पुलिस ने पहले से ही यहाँ पर जाल बिछाया हुआ था, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, सद्दाम हुसैन नहीं रुका और उसने फायरिंग कर दी और फायरिंग की वजह से आप देख सकते हैं कि वहाँ दूर एक पिस्टल भी पड़ी हुई है और तकरीबन 4 से 5 राउंड फायरिंग की है। ये देखिए यहाँ पर बुलेट भी पड़े हुए हैं, खोखे पड़े हुए हैं बुलेट के। और इतना ही नहीं, उसने जो है पुलिस वालों पर भी फायरिंग की और इस फायरिंग की वजह से उसने कई गोलियां चलाईं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चौकी इंचार्ज राजेंद्र डागर हैं। देखिए इनके यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट है, इस बुलेट प्रूफ जैकेट पर उसने गोली चलाई है और ये गोली इस बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से दूर चली गई, वरना इनकी जान को काफ़ी खतरा हो सकता है। इस बाइक को और उस पिस्टल को फिलहाल अब की स्पेस प्रॉपर्टी है और सद्दाम हुसैन के पकड़े जाने से कई मामले हल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसी 25 जुलाई को दरअसल सद्दाम हुसैन ने कोटला मुबारकपुर में एक बिजनेसमैन से 2 लाख रुपए मांगे थे। उस वक्त वो जेल में था, तकरीबन 5 साल की सज़ा काटने के बाद ये जेल से बाहर आया हुआ था और उसके बाद से इसने खुद एक्सट्रॉशन का काम फिर से शुरू कर दिया। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर की बहादुरी से और दिल्ली पुलिस की बहादुरी से फिलहाल इस वक्त ये अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।